ट्रेन में सांसों को झटके से बाहर फेंकना है, यानी वन सेकेंड वन स्ट्रोक वन सेकेंड। आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, झटके से प्राण वायु को बाहर फेंकते हैं, पेट का इलाका अंदर जाता है। ऐसा जब नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारे सेल जो कोशिकाएं जो मृत प्राय होने लगती हैं, जो डीजनरेट होने लगते हैं, उन कोशिकाओं को गति प्रदान करते हुए, वाइब्रेट करते हुए, जागृत करते हुए उसे फिर से रीजनरेट करता है, पुनर्जीवित कर देता है कपाल भाती उन कोशिकाओं को, और वही उमंग, वही ताजगी, नई चेतना के साथ हमारा जीवन फिर से वृद्धावस्था में भी जवानी जैसा, वृद्धावस्था में भी बचपन जैसा मेरा मन हो जाता है, मेरे विचार हो जाते हैं, मेरी कर्मेंद्रियां और मेरी ज्ञानेन्द्रियां हो जाती हैं, और हम सब उसके अनुरूप जब जीवन जी लेने लगते हैं तो वात पित्त कफ के दोष का समन होता है। सप्त धातुएं रस रक्त मान मेद अस्थि मज्जा वीर्य का निर्माण जब होता है तो उसके निर्माण को भी यह सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे की तरफ ले जाता है। करते जाइए कपाल भाती। आपके शरीर के अंदर कितने प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो दवा कराते कराते आप फट क्यों न गए हों, उन बीमारियों का मैं सुनकर के एक नाम लेता हूँ। जोड़ों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, किडनी का दर्द हो, कमर का दर्द हो, गठिया हो, सैटिका हो, गैस हो, कब्ज हो, कोलाइटिस हो, सोरायसिस हो, नटसीर हो, बवासीर हो, माइग्रेन अध कपारी हो, चर्म रोग हो, सफेद दाग हो, माताओं बहनों में बांझपन की समस्या हो, भाइयों में नपुंसकता की समस्या हो, बहनों में रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर या लिपुड़िया की समस्या हो, भाइयों में धातु छिड़ता की या सुख दोष की समस्या हो, केवल कपाल भाती करते जाइए और धीरे धीरे चून चून करके कहते हैं ना, चून चून करके गलत चीजों को हटाते हैं, वैसे चून चून करके कपाल भाती हमारे भीतर के अंगों में फंसे हुए विकृतियों को बाहर करता है। मोटापे के लिए भी रामबाण दवा, उनका पेट निकला है, जिनको भूख नहीं लगता हो, जिनको पचता नहीं हो, जिनको खाने के लिए दवा यानी भूख लगाने के लिए दवाई, भोजन अंदर चला गया तो पचाने के लिए दवाई, और भोजन जब पच गया तो शौच कराने के लिए दवाई, सारे चीजों के लिए दवाई दवाई, गोली गोली, सुई सुई इंजेक्शन ले रहे हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। बस कपाल भाती का अभ्यास पंद्रह मिनट जिनका नकारात्मक विचार हो गया हो, कभी कभी ना लोग माइग्रेन, कभी कभी अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको मन नहीं लगता है दुनिया में, बेटा बेटी पति पत्नी धन दौलत भरा पड़ा है, लेकिन उसको लगता है कि सब बेकार है, धरती छोड़ देने में फायदा है, हम बेकार जी रहे हैं, मैं तो धरती का बोझ बना हूँ, मैं तो परिवार का बोझ बना हूँ, मैं तो भार बना हुआ हूँ, ऐसे ऐसे नकारात्मक विचार आने लगते हैं मन में, और वह व्यक्ति ऐसा कुंठित हो जाता है कि आत्महत्या कर लेता है, रेत कट जाता है, जहर पी लेता है, फांसी लगा लेता है, पूरे परिवार को नष्ट करके खुद स्वयं भी नष्ट हो जाता है। ऐसे विचार जिनके आभार बार आते रहते हैं, केवल कपाल भाती का अभ्यास करेंगे और सारे बीमारियों को दूर करेंगे, जीवन में कभी ना ब्रेन हेमरेज होगा, ना कभी लकवा लगेगा, ना कभी हार्ट अटैक होगा, ऐसा जबरदस्त अभ्यास है कपाल भाती का। ओम।